हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई एम योर टीचर फॉर फोटोशॉप, अहमद आफरीदी। आज की वीडियो में हम एक नया कुछ टॉपिक्स का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट आप जब भी फोटोशॉप में कुछ भी इमेज एडिटिंग, कुछ हाई प्रोफेशनल एडिटिंग करेंगे तो ये इस प्रोसेस से तो आप लाजमी गुजरेंगे, या बहुत कम चांसेस हो गए कि ये वाला आप उसमें प्रोसीजर यूज़ ना करें। और वो क्या है? वो है मास्किंग। यस, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज मास्किंग। मास्किंग कहते हैं कोई चीज़ दिखाना या कोई चीज़ छुपाना। मिसाल के तौर पे आप अब किसी भी चीज़ को मास्क करके सिर्फ जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हो सिर्फ वो दिखे, और जो चीज़ आप ना दिखाना चाह रहे हो वो ना दिखे। लाइक आप अक्सर फेस मास्क यूज़ करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ फेस दिखाना चाहते हैं या कुछ नहीं दिखाना चाहते, तो वो उससे आप अपना पर्पस अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह हर लेयर के ऊपर, हर पिक्सल के ऊपर, हर पिक्चर के ऊपर यहाँ पे हम मास्किंग यूज़ कर सकते हैं। मास्किंग फोटोशॉप में मल्टीपल किस्म की हैं, डिफरेंट किस्म की मास्किंग हैं। लाइक हम लेयर मास्क है उसमें वेक्टर मास्क है, उसमें क्लिपिंग मास्क है। तो आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस करना है वो है जो इसकी सबसे बुनियादी मास्किंग है उसको हमने समझना है कि ये बेसिकली मास्किंग है कैसे, और इसको हम फोटोशॉप में यूज़ कैसे कर सकते हैं, और डिटेल में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ लेयर मास्क। सो लेट्स जंप ओवर टू द फोटोशॉप। जी स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपने फोटोशॉप में एक यहाँ पे एक पिक्चर खोली हुई है आपके सामने। ये देखें, इस लेयर में ये बैकग्राउंड के नाम से ये एक पिक्चर है। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि हमने लेयर मास्किंग पढ़ना है, तो इसका सबसे जो बुनियादी पर्पज़ होता है वो पूरी की पूरी लेयर के ऊपर एक पूरा मास्क की हम लेयर लगा देते हैं। उसी लेयर के अंदर रहते हुए हम एक मास्क की लेयर लगा देते हैं, और वो लेयर हम अपनी मर्जी से उसका कुछ हिस्सा दिखा देते हैं और कुछ हिस्सा हम उसको हाइड कर देते हैं। उसी तरह जो लेयर मास्क का हम हिस्सा हाइड कर देते हैं वो पिछले वाला इमेज भी हाइड हो जाता है, और जो हम लेयर मास्क का हिस्सा ऑन रखते हैं वो पिछले वाला जो इमेज है वो आपको दिखाई देता है। तो यहां पे वो इस तरह होता है। अगर आप ये लेयर पैनल के अंदर देखें तो यहां पे बिल्कुल बॉटम के अंदर आपको यहां पे एक टैब नजर आ रहा है जिसका नाम है ऐड अ मास्क। ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस जो लेयर का जो थंबनेल है इसके साथ आपको एक और लेयर का मास्क नजर आना शुरू हो जाएगा, जो कि जिसको कहा जाता है दिस इज योर लेयर मास्क। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूं तो ये देखिए उसके साथ बिल्कुल आपको एक और मास्क नजर आना शुरू हो गया है। यानी कि लेफ्ट साइड पे आपको आपका ओरिजिनल पिक्चर का थंबनेल नजर आ रहा है, और देन आपको एक वाइट लेयर मास्क नजर आ रहा है, वाइट लेयर का जो थंबनेल है वो नजर आ रहा है। अब यहां पे भी दो चीजें बहुत बुनियादी तौर पे आपने समझ लेनी है जो कि फोटोशॉप में इस्तेमाल होने वाले किसी भी किस्म के मास्क के अंदर यूज की जाती हैं। लाइक यहां पे दो तीन कलर्स हैं, नंबर वन वाइट, नंबर टू ब्लैक, एंड नंबर थ्री इन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक, दैट इज योर ग्रे। अब वाइट का मतलब है कि वो चीज विजिबल है, ब्लैक का मतलब है वो चीज विजिबल नहीं है यानी कि हाइड है, और ग्रे का मतलब है कि वो एक ट्रांसपेरेंट है यानी कि कुछ हिस्सा वो हाइड करेगा और कुछ हिस्सा दिखाएगा। ओपेसिटी जिस तरह आप किसी चीज़ की कम कर देते हैं तो उस काम के लिए हम ग्रे कलर यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ किसी इमेज में से हमने दिखानी है तो वहाँ पे हम वाइट यूज़ करते हैं, और कोई चीज़ जो हमने हाइड करनी है या छुपानी है तो वहाँ पर हम ब्लैक यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें इमेज के अंदर, तो जब ये मेरा मास्क नहीं था, लाइक मैं यहाँ से कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ये मैंने अपना मास्क ख़त्म कर दिया, तो ये मेरा एक इमेज है, लाइक बिल्कुल इमेज है। अब जैसे ही मैं इस पर लेयर मास्क ऑन करता हूँ तो मेरे इमेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी हाइड नहीं हुआ, कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ लेयर मास्क करने से। वो क्यों? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आप इस लेयर मास्क के थंबनेल के अंदर गौर करें तो इसके अंदर जो पेंट हुआ है सारा कलर वो है वाइट, और वाइट का मैंने आपको बताया था जितने हिस्से पे वाइट होगा उतने हिस्से पे ये आपको विजिबल होगा, और जितने हिस्से पे ये ब्लैक होगा वो हिस्सा आपका
हाइड हो जाएगा। पर यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो ये सारे का सारा हिस्सा चूंकि व्हाइट है तो आपको पूरा इमेज यहां पे नजर आ रहा है। लाइक मैं यहां पे अगर इस जो मेरा लेयर मास्क है इसको मैं सिलेक्ट करके यहां से अपना पेंट बकेट के थ्रू ये मैंने ब्लैक कलर यहां से सिलेक्ट किया हुआ है और यहां पे मैं ब्लैक फिल कर देता हूं, तो अब आप गौर करें कि जब जो जो हिस्सा मेरा ब्लैक हुआ है वो मेरा ओरिजिनल इमेज वहां से हाइड हो गया है, यानी कि वो खत्म हो गया है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो डिलीट हो गया है या वो जाया हो गया है, वो वेस्ट हो गया है हमारा पिक्सेल इमेज, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लेयर के अंदर देखें तो यहां पे वो इमेज पड़ा हुआ है जिस तरह मैंने आपको बताया, और ये बड़ी डिटेल में आपको ये इस वजह से बता रहा हूं ताकि ये बुनियादी बात है लेयर को समझने के लिए। अगर ये हिस्सा आपको समझ आ गया तो आइंदा आने वाले जो 3-4 हमारे मास्किंग के जो वीडियोस हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। सिंपल आपने स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि एक इमेज है उसके ऊपर अगर हम मास्क लेयर ऐड मास्क ऐड करते हैं अगर उसके अंदर व्हाइट फिल है तो उतना हिस्सा आपको नजर आएगा, जितना हिस्सा उसमें ब्लैक फिल है वो हिस्सा हाइड हो जाएगा, और जितने हिस्से पे ग्रे है वो आपका ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि कुछ हिस्सा वो हाइड होगा और कुछ हिस्सा वो विजिबल होगा। यहां पे देखिए जैसे ही मैंने इस लेयर ऐड मास्क के अंदर ब्लैक फिल किया पूरे का पूरा इमेज वो हाइड हो गया है। अब मेरा ओरिजिनल इमेज यहां पे पड़ा हुआ है, मैं जब चाहूं यहां पे वापस आ सकता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है या आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर कोई इमेज को हमने हाइड ही करना है तो वो काम तो हम रेजर के थ्रू भी कर सकते हैं, सिंपली रेजर लें और इसको वॉश कर दें तो वो खत्म हो जाएगा। बट मास्किंग में आपका ये फायदा है कि रेजर से जब आप वॉश कर देते हैं और आप उसको PSD सेव कर लेते हैं तो वो इमेज जो आपने रेजर के थ्रू खत्म किया होता है वो वापस नहीं आ सकता, वो आप यू एक्चुअली लॉस दैट पर्टिकुलर इमेज। बट अगर आपने वो मास्क किया होगा तो दोबारा अगर आप उस पर व्हाइट पेंट करेंगे तो वो हिस्सा आपके पास दोबारा आ जाएगा। अब यहां पे देखें मैंने सारा हिस्सा ब्लैक फिल किया तो आपको यहां पे ब्लैक नजर आ रहा है। अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए यहां से ब्रश टूल ले रहा हूं और लाइक मैं यहां से व्हाइट फिल करता हूं, ये मैंने व्हाइट हिस्सा लिया है और मैं अपना हार्डनेस थोड़ी ये ज्यादा रखता हूं। अब मैं ये देखें यहां से पेंट कर रहा हूं, जितना हिस्सा मैं पेंट कर रहा हूं व्हाइट ये उतना हिस्सा स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका मतलब यहां पूरे का पूरा इमेज मेरा सेव है, जहां जहां पे मैं व्हाइट पेंट कर रहा हूं वहां वहां से ये देखें इमेज आ रहा है। इसका मतलब मैं अपनी मर्जी का हिस्सा बगैर डिलीट किए हुए हाइड भी कर सकता हूं और बगैर उसको जाया किए हुए उसको अपीयर भी उसको दिखा भी सकता हूं। लाइक अगर मुझे यहां से कुछ नहीं चाहिए, इसका पूरा फेस चाहिए था तो ये देखिए मैंने फेस पे वाइट पेंट कर दिया। अगर मुझे लगता है कि इसका जो बाकी हिस्सा है जो वो मुझे नहीं दिखाना था तो अगेन मैंने बताया ब्लैक पेंट करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। तो मैं यहां से अब दोबारा ब्लैक पेंट ले रहा हूं और मैं यहां से देखें जितना हिस्सा मैं ब्लैक पेंट कर रहा हूं वो ज़ाया हो जाता है। अब मास्किंग का फायदा आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं फ्री हैंड अपने इमेज को यूज कर सकता हूं बगैर किसी परेशानी के कि मेरा इमेज ज़ाया ना हो जाए। मैं अपनी मर्जी से ये जितना इमेज दिखाना चाहूंगा उतना इमेज दिखा सकता हूं, जितना इमेज मैं उसको हाइड करना चाहता हूं वो हाइड कर सकता हूं। अब आप एक और चीज समझ लें, यहां से आप अगर आपने मास्क ऐड कर लिया है मैं अगर शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो वो देखें वक्ती तौर पे टेम्परेरीली वो आपका जो मास्क है लेयर मास्क है वो डिसेबल हो जाएगा। अब लेयर मास्किंग यहां से जब आप जो भी इमेज पे आपने काम करना है छोटा बड़ा करना है तो वो यहां पे आप सिंपली रख सकते हैं। देन दोबारा डिसेबल मास्क को आप अनेबल कैसे कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, अगेन आपने शिफ्ट प्रेस करना है और उसी मास्क के ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो वो मास्क आपका दोबारा आ जाएगा। अब यहां पे अगर मैं यहां पे ये देखें एक सिलेक्शन यहां पे ये ड्रॉ करता हूं, मुझे सिर्फ इतना इतना हिस्सा अपने इमेज का दिखाना था तो इतने हिस्से पे मैं सिंपली हिस्सा यहां से अभी फिल करना है यहां पे, तो ये मेरा उतने हिस्से में ये देखें वो इमेज आ गया है।
अगर मैं चाहता हूं कि इसके थोड़े एजेस मुझे चाहिए थे, यहां से मैं कंट्रोल डी करके इसकी सिलेक्शन फिलहाल मैंने खत्म की है। ये मैंने ब्रश टूल लिया है, अपना ब्रश का जो साइज है वो मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है। व्हाइट पेंट, ये देखिए मैं अभी यहां से व्हाइट पेंट कर रहा हूं, तो ये देखिए मैं अपनी मर्जी का यहां से ये चेंज भी कर सकता हूं। अगर मैं यहां से ब्लैक पेंट करना शुरू कर दूं तो ये देखें मैं ब्लैक पेंट भी यहां से कर सकता हूं। अब आपको बेसिकली जो बुनियादी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मास्किंग का, वो तो समझ आ गया होगा कि कोई भी आपने लेयर खोलनी है उसके ऊपर आपने ये बिल्कुल देखे, ये जो एक बटन है, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो नेविगेशन में आपको दिखा रहा होगा, लिखा होगा कि एड वेक्टर मास्क। आप इसको क्लिक करेंगे तो वो सिंपली आपके सामने एक लेयर मास्क ऐड कर देगा। यहां पे आपको उसका थंबनेल नजर आ रहा होगा और वो बाय डिफॉल्ट वाइट फिल होगा। वाइट का मतलब है कि जितने हिस्से पे वाइट होगा वो नजर आएगा पिछले वाला हिस्सा, जितने वाले हिस्से पे मैं ब्लैक पेंट करूंगा उतना हिस्सा पिछले वाला नजर नहीं आएगा। अब मैं अपनी मर्जी से इसको अमेंड भी कर सकता हूं, ये बिल्कुल एडिटेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने लेयर मास्क ऐड कर दिया है तो मैं इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकता। लाइक मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये देखें अगर मैं इसको मूव करता हूं इमेज को तो वो दोनों चीजें मूव हो रही हैं। मैं इसको फिलहाल कंट्रोल जी करता हूं, आपको एक और चीज यहां पे समझाता हूं। लाइक मैं यहां से एक ये मैंने सिलेक्शन ली और ये मैंने इतना हिस्सा यहां पे एक सर्कल ये ड्रॉ कर लिया है और ये मास्क मेरा चूंकि ब्लैक ऑन है ऑलरेडी, तो मैं इसके अंदर व्हाइट फिल करता हूं। जितना हिस्सा ऑब्वियसली मैं व्हाइट फिल करूंगा आपको पता है वो उतना हिस्सा मुझे नजर आएगा, ये तो मेरा हिस्सा नजर आएगा। अब कंट्रोल डी से मैंने इसको डिसलेक्ट कर दिया, अब मैं अगर इसको मूव करूंगा तो वो पूरे का पूरा दोनों हिस्से मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी सिलेक्शन के अंदर यानी कि इसी मास्किंग के अंदर मैं इस इमेज का कोई और हिस्सा दिखाना चाहूंगा तो आप लेयर पैनल के अंदर आए तो यहां पे देखिए आपको एक चेन नजर आ रही है। बेसिकली ये आपका जो लेयर का जो इमेज है उसका थंबनेल और जो आपकी मास्किंग का थंबनेल है इसके दरमियान इसको लिंक करता है। यानी कि अगर मैं इमेज मूव करता हूं तो साथ में आपका वो मास्क भी मूव करता है। अगर मैं आपका इमेज छोटा बड़ा करता हूं तो आपका मास्क भी छोटा बड़ा हो रहा है, देखें। अच्छा जी, लेकिन अगर मैं यहां से कंट्रोल जी करता हूं, अगर मैं इसको क्लिक करके इसको अनलिंक कर देता हूं और मैं मास्क को फिलहाल इस तरह सिलेक्ट है, अब दोनों इन दोनों जो थंबनेल में से आपके पास सिलेक्टेड हिस्सा कौन सा है तो आप इसके कॉर्नर्स में देख रहे होंगे कि आपको वाइट एक बॉर्डर नजर आ रहा है, जिसको भी क्लिक करेंगे वो उसके अराउंड में नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये अभी मैंने जो इमेज के थंबनेल के ऊपर किया तो आपको ये साइडों पे नजर आ रहा है और अभी मैंने ये मास्क के ऊपर थंबनेल के ऊपर किया तो आपको मास्क के गिर्द में ये नजर आ रहा है। तो जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे वो फिलहाल वो सिलेक्टेड होगा। अब आप अगर इमेज मूव करेंगे देखें तो वो आपको इमेज नजर आ रहा होगा, ये देखें आपके इमेज का जो भी हिस्सा है आपको वो नजर आ रहा होगा, ये देखें। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर अपना मास्क जो मैंने लगाया है वो मूव करना चाह रहा हूं तो आपने मास्क के ऊपर क्लिक करना है, देन आप अपना मास्क मूव कर सकते हैं। ये देखें ये मैं अपनी मर्जी का मास्क भी रख सकता हूं। मैं अब इसको डिलीट कैसे कर सकता हूं, आप सिंपली अगर आपको लगता है कि आपको मास्क नहीं चाहिए आप सिंपली उस मास्क के ऊपर जाएं, इसको क्लिक करें और राइट क्लिक करें। यहां से आप डिसेबल भी कर सकते हैं एंड परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। अब डिसेबल और डिलीट में क्या फर्क है, डिसेबल आप वक्ती तौर पे उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं बट डिलीट आप परमानेंटली उसको डिलीट कर देते हैं। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये देखें वो सिंपली डिलीट हो जाएगा और ये आपका वापस इमेज उसी तरह आपके पास पड़ा हुआ है। मैं इस इमेज को अब रिवर्ट करता हूं। लाइक मैं अब और क्या कर सकता हूं यहां पे, अब यहां पे एक और चीज भी हो सकती है। अगर आप एक सिलेक्शन पहले ड्रॉ कर लें, अब एक तो मैंने तरीका आपको बता दिया है कि अगर आप यहां पे लेयर सिलेक्ट करके सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको बाय डिफॉल्ट वाइट के साथ वो एक लेयर मास्क ऐड कर देगा और उसको कैसे हाइड करना है कैसे वो करना है वो यहां से आप देख सकते हैं। अब मैंने आपको तीसरा कलर बताया था कि वाइट के साथ तो आपका नजर आएगा, ब्लैक के साथ हाइड हो जाएगा और तीसरा मैंने आपको बताया था ग्रे, यानी कि उसकी ट्रांसपेरेंसी रखेगा। लाइक मैं आपको बताता हूं यहां से मैं कोई भी कलर और सेलेक्ट करूंगा पिकर टूल से, चूंकि मैंने बताया मास्किंग में व्हाइट
ब्लैक और ग्रे के अलावा कोई कलर नहीं होता। ये देखिए मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करूँगा, मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो तीसरा कलर जो होगा वो ग्रे ही सिलेक्ट होगा। अब जितना हिस्सा देखिए मैं ग्रे का यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, ये मैंने अपना थंबनेल किया है, ये मैं अपना ब्रश साइज थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और इसकी हार्डनेस में थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। तो ये जितना हिस्सा मैं ग्रे पेंट कर रहा हूँ तो आप देखें ये ओपेसिटी के साथ हो रहा है। आप अपनी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ग्रे होगा उतना आपको ये नज़र आएगा। ये मैंने उसकी ओपेसिटी कम कर दी है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ब्लैक पेंट कर दूंगा तो वो आपको कम्प्लीटली हाइड कर देगा। देन अगेन मैं इसके ऊपर अगर वाइट पेंट कर दूंगा तो वो अगेन आपको वो ये दिखाना शुरू कर देगा। ये बहुत ही हेल्पफुल प्रोसीजर है मास्किंग। अब एक और चीज़ आपको बतानी है, अगेन मैंने आपको बताया अगर आपने इसको डिलीट करना है आप सिंपली इसको पकड़ के डस्टबिन के ऊपर भी फेंकेंगे तो यहां से भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अभी एक थोड़ा सा हम इसको और देखते हैं। मैंने एक सिलेक्शन यहां पे ड्रॉ की, जो भी मैंने एक सिलेक्शन ड्रॉ कर ली। ये अब अगर मैंने जितनी सिलेक्शन ड्रॉ की हुई है अगर मैं यहां पे अब लेयर मास्क ऐड करूंगा तो वो ये जो मेरी सिलेक्शन ड्रॉ की हुई है सिर्फ इतने हिस्से को विजिबल रखेगा, जो मेरा डीसिलेक्टेड एरिया होगा ये ब्लैक कर देगा। अब ये देखें जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ये सिंपली उसके अंदर ये देखें आपके सामने वो हाइड हो गया है इसके बाहर का, और यहां पर आपका वो उस तरह का जो भी आपकी सिलेक्शन थी यहां पर उसका मास्क ऐड हो गया है। तो आप यहां से सिलेक्शन के थ्रू भी यहां पर अपनी मास्किंग कर सकते हैं। अगेन आपको एक चीज और बताता हूं, मैं फिलहाल इस मास्क को डिलीट करता हूं, ये मैंने डिलीट कर दिया है, ये मेरा इमेज है। मैं एक काम करता हूं कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूं, यहां से मैंने कॉपी ले ली है और ये ऊपर वाली लेयर मैंने ऑफ कर दी है और इसको मैं मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूं। तो यहां से मैं उसको ब्लैक कर देता हूं, ये वाला ये थोड़े से अपनी मर्जी की आप यहां से कलर की सेटिंग भी रख सकते हैं। खैर ये वाला हम आइंदा के लेक्चर में आगे जो आने वाले हैं उसमें हमने कलर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आपने इसको इग्नोर कर देना। आप सिंपली यहां पे इसको डिसेचुरेट भी कर सकते हैं, आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, इस पर जाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बस अपनी तसल्ली के लिए थोड़ा सा कर लिया है। मुझे यहां पर थोड़े से उसके जो लेवल्स हैं वो एडजस्टेड नहीं लग रहे थे, मुझे यहां पर एडजस्टेड लेवल लग रहे हैं। अब ये देखें मैंने इसको कर दिया है ब्लैक, राइट, और ये ऊपर वाला मेरा इमेज है बिल्कुल कलर। अगर मैं ये ऊपर वाली इमेज को लेयर को नीचे कर देता हूं तो ये देखें ऊपर मैंने ब्लैक किया और नीचे कलरफुल है। अब इसके अंदर मैं इसको लेयर मास्क ऐड करके इसके अंदर कंप्लीटली ब्लैक ऐड कर देता हूं, अगर ये मैंने ब्लैक ऐड कर दिया है इसके थंबनेल में तो ये देखिए पूरे का पूरा वो नीचे वाला इमेज नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं वाइट फिल कर देता हूं, ये मैंने वाइट फिल किया है, अब ये देखिए ऊपर ब्लैक लेयर है बट मैंने यहां से वाइट फिल कर दिया, मतलब ये टोटल लेयर मैंने विजिबल कर दी है। लेकिन मैं चाहता हूं इसका पर्टिकुलर पार्शली हिस्सा मैं कुछ दिखाना चाहता हूं और पार्शली हिस्सा मैं नहीं दिखाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लेयर को थोड़ा जूम कर रहा हूं। लेट्स सी हम मास्किंग के साथ क्या कर सकते हैं। मैंने ये ब्लैक कलर लिया है और ये ब्रश टूल लिया और मैंने इसकी ओपेसिटी हार्डनेस थोड़ी सी मैंने कम रखी है और साइज भी इसका थोड़ा सा कम कर रहा हूं। ये देखिए मैं इसको जितने हिस्से पे ये देखिए मैं ब्लैक पेंट कर रहा हूं, ऑब्वियसली ब्लैक का मतलब मैंने आपको बताया था कि उतना हिस्सा ये मेरा हाइड कर देगा, चूंकि ऊपर वाली लेयर हाइड हो रही है उतनी उतनी तो पीछे वाली लेयर जो कि कलरफुल है वो आपको यहां पे नजर आ रही है। अब ये देखें आप तसल्ली के साथ करें, अगर कोई स्ट्रोक गलत भी आपसे लग जाता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे आपका स्ट्रोक गलत लग गया है वहां पे अगेन आप ऑपोजिट कलर व्हाइट फिल कर दें या ब्लैक फिल कर दें अकॉर्डिंग टू योर इमेज, जिस तरह भी आप उसको दिखाना चाह रहे हैं या हाइड करना चाह रहे हैं। ये मेरा हो गया। अब देखें तो साइडों पे जरा थोड़ा चूंकि ज्यादा ब्रश पेंट हो गया है तो ये मैं हाइड करना चाह रहा हूं, दिखाना चाह रहा हूं ऊपर वाला हिस्सा, तो यहां से मैं अब वाइट फिल कर देता हूं इसके अंदर। ये देखें मैंने ब्रश टूल लिया और यहां से मैं
अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने अब मास्क के थ्रू ये ऊपर वाली लेयर का पूरा हिस्सा यहाँ से लेयर मास्क ऐड किया और यहाँ पे पूरा ब्लैक करके यानी कि वाइट फिल करके पूरा इमेज को ये रखा है, और जहाँ जहाँ पे मैंने ब्लैक पेंट किया वो पिछली वाली लेयर वो चूँकि ट्रांसपेरेंट हो गया तो पिछली वाली लेयर वो आपको नज़र आ रही है। लाइक अगर मैं आपको नीचे वाली लेयर ऑफ करके दिखाऊँ तो ये देखें ओरिजिनल लेयर में जहाँ पे उसने जितना हिस्सा मैंने ब्लैक पेंट किया है यहाँ पे आपको वो ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है, चूँकि नीचे आपकी ओरिजिनल लेयर थी जो कलर थी वो आपको ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो ये आप मास्किंग के थ्रू ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ आपको और बता दूं, आप ग्रेडियंट के कलर से यानी कि ब्लैक एंड वाइट दोनों और फिर उसमें ग्रे यानी कि आप एट अ टाइम ग्रे भी यूज़ कर रहे हो, ब्लैक भी यूज़ कर रहे हो, वाइट भी यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आप ग्रेडियंट के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ तो इससे आपको बड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ से दो इमेज ओपन करता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने एक इमेज मैंने ये ओपन किया है एंड देन दूसरा इमेज है मेरे पास ये वाला इमेज। मैं इस वाले इमेज को ड्रॉप इस वाले इमेज में कर रहा हूँ, लाइक ये मैंने इमेज रख लिया है। अब ये देखें कि इस वाले इमेज को मैं बैक पे रख रहा हूँ, यहाँ से इसको बैक पे रख रहा हूँ और ऊपर मेरा ये इमेज है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसका पार्शली हिस्सा दिखाना भी चाह रहा हूँ और फैदरिंग का एक इम्पैक्ट भी देना चाह रहा हूँ। ब्लैक और वाइट के दरमियान चूँकि ग्रेडियंट होता है वो एक कलर दूसरे कलर में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, तो वो एक स्टेज आती है जहाँ पे वो ग्रे हो जाता है, यानी कि वाइट जब ब्लैक की तरफ जाना शुरू करता है तो वो पहले ग्रे में जाता है देन ब्लैक में जाता है, और ब्लैक जब वाइट में जा रहा होता है तो वो ब्लैक से होता हुआ पहले ग्रे में जाता है देन वाइट में जाता है। अब ये देखें यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने ये ऊपर एक आप ये वाला इमेज रखा है और नीचे ये मैंने स्काई रखा हुआ है। स्काई की जो भी आपने पोजीशन रखनी है, लाइक मैं ये वाली स्काई की पोजीशन रख दूँ और ऊपर मैं ये वाला रखता हूँ। अब ये ऊपर वाली लेयर को जो भी लेयर आपकी सिलेक्ट होगी स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है मास्क हमेशा सिर्फ उस लेयर पे लेयर मास्क ऐड होगा जो आपकी लेयर सिलेक्टेड होगी। यहाँ पे देखें तो मेरी जो टॉप वाली लेयर है वो सिलेक्टेड है, मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अपना मास्क ऐड किया। अब चूंकि यहाँ पे सारा वाइट है तो वो उतना ही सारे का सारा ही नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से ग्रेडियंट ले लूँ और यहाँ से इसका जो प्रीसेट है लाइक मैं ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट, ओके ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट या वाइट भी ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं, तो ये लेकिन ये सेंटर में अगर आप देखेंगे तो ये वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ना ये पूरा ब्लैक है ना पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पे हमें फैदरिंग वाली ये फील देगा। तो मैंने यहाँ से इसको ओके किया और यहाँ से मैंने इसका मास्क चूँकि सिलेक्टेड है वो इसको सिलेक्ट रखना है और यहाँ से ये देखें मैं इसको ऐड कर रहा हूँ इतना हिस्सा। अब ये उतना हिस्सा ये देखिए पिछले वाले इमेज का दिखा रहा है आपको। अगर मैं नीचे आपको नीचे वाली लेयर ऑफ करके दिखाऊं तो ये देखिए जितना हिस्सा मैं ब्लैक पेंट कर रहा था उतना ट्रांसपेरेंट है, जितने हिस्से में ग्रे आया था उतने हिस्से में आपको ये ओपेसिटी उसकी कम आपको लग रही है, और जहाँ पर बिल्कुल वाइट या जीरो था कोई भी कलर नहीं था वहाँ पर आपका ओरिजिनल इमेज है। चूँकि ये बैक पर मैंने ये वाला इमेज रखा हुआ तो यहाँ पर आपको वो पिछले वाले स्काई के साथ उसको मर्ज करके दिखा रहा है। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसको इसकी एडजस्टमेंट भी डिफरेंट कर सकते हैं, लाइक मैं इधर से भी एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ से। तो अब ये देखें ये मैंने उसी इमेज के अंदर एक दूसरी लेयर का मास्क ऐड कर दिया है, और अगर मैं ये दोबारा वापस आना चाह रहा हूँ या डिसेबल करना चाह रहा हूँ, आपको मैंने बताया शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक कर दूंगा तो वापस मेरा ओरिजिनल इमेज भी आ जाएगा, देन शिफ्ट करके दोबारा क्लिक करूंगा तो वापस वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको मास्किंग के बारे में तो आपको समझ आ गई कि आप एक लेयर मास्क ऐड कैसे कर सकते हैं, देन उसको आप थोड़ा एडिट कर सकते हैं, आप मास्क को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आप मूव भी कर सकते हैं, आप उसको हाइड भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, और फर्दर उसको ग्रे स्केल के साथ भी आप उसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ भी प्ले कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज क्लिप मास्किंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइनिंग में बहुत यूज किया जाता है, सो डोंट फॉरगेट दैट पर्टिकुलर वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।